उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत दिव्यांग छात्र छात्राओं के अंदर घर कर चुकी हीन भावना को दूर करने एवं आत्मबल को बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद शिक्षा केंद्र स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामर्थ्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें पाली जनपद शिक्षा केंद्र स्तर के समस्त दिव्यांग छात्र छात्राओं ने शासकीय सीनियर उत्कृष्ट व कन्या छात्रावास परिसर वीर सिंहपुर पाली में दिन भर से चले कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग छात्र छात्राओं ने अपनी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रंगोली, चित्रकारी, कुर्सी दौड़, 50 और 100 मीटर की दौड़ एवं विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। सहायक परियोजना समन्वयक संजय पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस तरह की रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांग छात्रों के आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। साथ ही संजय पांडे ने बताया कि उमरिया मुख्यालय स्थित लालपुर में दिव्यांग जनों के लिए 50 सीटर CWSN छात्रावास है, जहाँ बच्चे रहकर निर्बाध रूप से अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। क्या विषय है और क्या ये अपने विकास खंड में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी सामर्थ्य प्रदर्शन, खेलकूद और सांस्कृतिक आयोजन से संबंधित है और उन उद्देश्य केवल ये है कि वो उनके अंदर जो हीन भावना उससे वो उभरें और समाज में वो भी सामान्य रूप से रह रहे हैं और वो भी कुछ कर सकते हैं, इसके लिए क्षमता प्रदर्शन को लेके है, उनका प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से। क्या क्या करवाया गया तो आज के इस कार्यक्रम में चूँकि बच्चों के शारीरिक और भौतिक स्तर के आधार पे कक्षा 1 से 5 तक जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको बालक बालिका की 50 मीटर की दौड़ थी, कक्षा 6 से 8 मिडिल के बच्चों के लिए थी 100 मीटर की दौड़ बालक बालिका अलग अलग, इसके अलावा जो कुर्सी दौड़ है वो प्राइमरी मिडिल की अलग अलग बालक बालिका की थी और रंगोली और चित्रकला प्राइमरी मिडिल अलग अलग बालक बालिकाओं के लिए थी। इस तरह सभी विधाओं में हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय में चयनित विद्यार्थी मतलब प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे, पर प्रोत्साहित सभी को करेंगे, एक बराबर प्रोत्साहन रहेगा, एक बराबर सबको सम्मान रहेगा, एक औपचारिकता रहती है कि ये विजेता या ये उपविजेता, पर बच्चे के मन में ये ना आने पाए कि मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, इसलिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी सभी को एक बराबर रखा गया। जनपद स्तर पर कई ऐसे मतलब उपक्रम किए जाएंगे क्या कि जैसे बच्चों को पढ़ने लिखने में जो हैंडीकैप्ड है, जी कोई पृथक व्यवस्था की जा रही है उसके लिए? सर जिले में CWSN छात्रावास अपना लालपुर में संचालित है, 50 सीटर हॉस्टल है और जो अपने पूरे जिले भर में इस तरह के बच्चे रहते हैं उनको वहाँ पर रेसिडेंशियल हॉस्टल है और आवासीय विद्यालय है लालपुर में, उन बच्चे पढ़ते भी हैं, उनकी व्यवस्था है वहाँ पर। कैनन न्यूज़ के लिए वीर सिंहपुर पाली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।